गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, अगेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 9, एनिमल्स। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो एंड यू ऑल कैन सी एनिमल्स अराउंड योर सेल्फ इन योर कॉलोनी स्ट्रीट्स, है ना। और आप ये भी देखते होंगे कि एनिमल्स जो है वो अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं, है ना। दे प्रोड्यूस साउंड इन अ डिफरेंट वे, है ना। दे मूव इन विद द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट एनिमल्स। So we'll be studying in this chapter about animals and what kind of sound they produce and what does their body parts help them to do. So let's begin the chapter. Let's begin. Students, all of you keep your fingers while I'll be reading, and we will also be getting some hard words in this chapter. I will be telling you the meaning of those hard words. So let's begin. Look at the animals given in the image. आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। Can you tell whether they live in water or on land? आपको बताना है कि इस एनिमल्स में से कौन वाटर में रहता है और कौन लैंड पे रहते हैं। डॉल्फिन फिश है, इट लिव्स इन वाटर। डियर, इट लिव्स ऑन लैंड। एंड फ्रॉग, इट लिव्स ऑन लैंड। समटाइम्स यू कैन सी दिस इन वाटर ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। नाउ एनिमल्स आर ऑल अराउंड अस, पेट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ द एनिमल किंगडम। यानी एनिमल्स हमारे चारों तरफ होते हैं और हमारा जो एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम यानी जो पूरा कैटेगरी, जो एनिमल किंगडम जो होता है, एक पूरा एक एरिया होता है, उसमें आपको पेट्स यानी जो पालतू जानवर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी जिनको हम घर पर रखते हैं, जो हमको बहुत हेल्प करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होता है, रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है एनिमल किंगडम के अंडर में आती हैं। लाइक प्लांट्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स की तरह एनिमल्स का एग्जिस्टेंस यानी एनिमल्स का जो प्रेजेंस होता है, उनका रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्लांट्स का। अगर इन दोनों में से कोई एक की भी कमी होती है तो जो नेचर का बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, सो लेट अस नो मोर अबाउट एनिमल्स एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट अस सी व्हाट अदर थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर्स। यस, सो स्टूडेंट्स, सी दिस इज चैप्टर 9, एनिमल्स। इन दिस फर्स्ट टॉपिक विल बी स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। In this, we'll be studying about big and small animals, wild and domestic animals. Second, how animals move. In this, we'll be learning about the tail, tails. Third point, we'll be learning what animals eat. Fourth, why are animals important. Fifth, caring for animals. Okay, so let us start the topic. The first is types of animals, yani अलग अलग टाइप की जो वैरायटीज होती है एनिमल्स की, वो फर्स्ट बिग एंड स्मॉल एनिमल्स यानी बड़े और छोटे जानवर। एनिमल्स कम इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल। एनिमल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और शेप्स में होते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे एनिमल्स भी होते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, जिराफ्स, राइनोसोरसेस, ऑस्ट्रिचेस, क्रोकोडाइल्स एंड बियर्स आर सम बिग एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। एलिफेंट है, जिराफ है, राइनोसोरस है, ऑस्ट्रिच है, क्रोकोडाइल है, ये सारे जो एनिमल्स हैं, बियर हैं, है ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एलिफेंट, जिराफ, राइनोसोरस, ऑस्ट्रिच, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो बिग एनिमल्स हैं और ये सारे लैंड पे रहते हैं। दे लिव मेनली इन फॉरेस्ट एंड जंगल्स। द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ दैट लिव्स इन वाटर। और ये सारे एनिमल्स आपको जंगल या फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेंगे। एंड जो ब्लू व्हेल जो बर्ड है, ये जो ब्लू व्हेल का ब्लू व्हेल जो होता है वो एक बिगेस्ट एनिमल है अर्थ पे, जो कि वाटर में रहता है। इट इज़ द बिगेस्ट एनिमल लिविंग ऑन दी लिविंग इन वाटर, दैट इज, एंड इट इज लिविंग द बिगेस्ट एनिमल लिविंग ऑन दी अर्थ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57। Animals like cats, dogs, cows, hens, fishes, geese, rats, snakes, horses, sheep, goats, penguins and birds are smaller in size. अब ये सारे जो animals होते हैं, cats से आपने देखा है, dogs, cows, hens, fishes, geese जो होता है ना, तो ये rats, snakes, ये सारे जो animals हैं, penguins हैं और ये birds होते हैं, वो सब small size के होते हैं।
ठीक है. नाउ शेप ऑफ एनिमल्स डिफर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट. बॉडीज ऑफ फिशेज एंड डॉल्फिन्स हैव टिपिकल शेप्स दैट हेल्प देम इन स्विम इन वाटर. नाउ एज यू कैन सी हियर, हेंस है, फिशेज हैं, गूज है, इनका जो ये सब छोटे साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू दैट एनिमल्स विच यू हैव सीन इन द प्रीवियस पेज. है ना, जिराफ अगर से कंपेयर किया जाए तो ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स छोटे होते हैं. तो ये जो एनिमल्स का जो शेप होता है ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिफर करता है. नाउ जो फिशेज और जो डॉल्फिन्स की जो बॉडीज होती हैं दे हैव अ टिपिकल शेप. है ना, एक ऐसा शेप होता है इनका जो इनको स्विम करने में हेल्प करता है. जिराफ्स हैव लॉन्ग नेक्स टू रीच द ग्रीन लीव्स ऑफ द अपर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. और जो जिराफ होते हैं उनके लॉन्ग नेक्स होते हैं जो ग्रीन लीव्स तक पहुंचने में हेल्प करता है. ट्रीज के ब्रांचेस में जो ऊपर ग्रीन लीव्स होते हैं उनको हेल्प करता है रीच करने में. एज यू कैन सी हियर, जिराफ इज हैविंग अ लॉन्ग नेक. ठीक है. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, थर्ड नेक्स्ट टॉपिक, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. ना वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर और घरेलू जानवर जिनको हम घर पे रखते हैं. ठीक है. नाउ सम एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, जिराफ्स, डियर एंड मंकीज लिव इन जंगल्स, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि आप देख सकते हो लायन है ना, डियर है, जिराफ होता है, मंकीज होते हैं. दिस एनिमल्स दे लिव इन जंगल एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड एनिमल्स. नाउ एनिमल्स लाइक काउस, गोट्स, शेप, हॉर्सेस एंड बुफेलोज लिव इन फार्म्स. दे आर यूजफुल इन मेनी वेज. काउस एंड गोट्स गिव अस मिल्क. बुफेलोज हेल्प कल्टिवेट एंड ग्रो क्रॉप्स. शेप गिव्स अस वूल एंड हॉर्सेस कैरी पीपल. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. नाउ कुछ एनिमल्स जैसे कि काउज हैं, गोट्स हैं, हॉर्सेस, एज यू कैन सी हियर, काउ, गोट, शेप, हॉर्सेस, दे ऑल लिव इन फार्म्स. वो सब जो है आप उनको खेत में देख सकते हो, फार्म्स में देख सकते हो. और ये बहुत ही ज़्यादा हमको हेल्प करते हैं हमारे वर्क करने में. काउ और गोट्स जो हमको मिल्क प्रोवाइड करता है. बफेलोज जो होते हैं दे हेल्प अस इन कल्टिवेटिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स. कल्टिवेट का मतलब होता है फार्मिंग, ये हमको फार्मिंग में हेल्प करते हैं. नाउ शिप जो होता है वो हमको वूल प्रोवाइड करता है. एंड हॉर्सेस जो होता है दे कैरी पीपल एंड लोड्स. पीपल को कैरी करता है, लोड्स भी कैरी करता है. नाउ दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. सो दिस ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड एज ए डोमेस्टिक एनिमल्स. है ना, जो हमको घर के कामों में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट, सम डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स लिव इन अर होम्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेट एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं जैसे कि कैट्स और डॉग्स, और उनको हम पेट एनिमल्स भी बोलते हैं. यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन कि सो मेनी पीपल आर फॉन्ड ऑफ हैविंग पेट्स एट देयर होम्स. है ना, कैट्स और डॉग्स उनको अच्छा लगता है, उनके घर पे उनको पेट रखना बहुत अच्छा लगता है ना. दे टेक केयर ऑफ दोज पेट एनिमल्स एंड दे लव देम वेरी मच. सो दे आर कॉल्ड एज अ पेट एनिमल्स. किसी के कैट, किसी के गोट, डॉग्स रहते हैं, किसी के यहाँ रैबिट होता है, ये सारा चीज़ जो है को पेट एनिमल्स बोलते हैं. नाउ सी व्हाट इज गिवन इन दिस बॉक्स. व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? डू यू हैव अ पेट? इफ यस, व्हाट एनिमल इज इट? हियर यू हैव टू राइट डू यू हैव अ पेट. अगर आपके पास पेट है तो आप यहाँ पे यस लिखोगे, और अगर है तो आपको मेंशन करना है कि वो कौन सा एनिमल है. तो यहाँ पे आप यस लिखना, अगर है तो, नहीं होगा तो नो लिखना. और यहाँ पे आपको नेम मेंशन करना है इफ यू हैव अ पेट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ एनिमल्स मूव. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. बट ऑल एनिमल्स डू नॉट मूव इन द सेम वे. एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? एनिमल्स जो है वो वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं फूड और शेल्टर के लिए. लेकिन सारे एनिमल्स जो उसी तरीके से मूव नहीं करते. सम एनिमल्स वॉक एंड रन, सम क्लाइम ट्रीज, सम हॉप, सम स्विम इन वाटर, वेल सम अदर्स फ्लाई. लेकिन ये सारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें से कुछ जो है वॉक करते हैं या फिर रन करते हैं, चल के जाते हैं, दौड़ के जाते हैं. कुछ जो ट्रीज क्लाइम करके जाते हैं, कुछ हॉप करते हैं. हॉप का मतलब कूदना, कूदते हुए जाते हैं. कुछ स्विम करके जाते हैं और कुछ उड़ के जाते हैं. ये सारे जो फूड के लिए ही घूमते हैं या फिर शेल्टर के लिए ही घूमते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है. ठीक है. नाउ एनिमल्स मूव अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स.
Some animals move on four legs like lions, tigers, cheetahs, cows, goats, sheep, dogs, cats, rats, crocodiles, lizards, rhinos, buffaloes, giraffes, leopards, deer, etc. एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से मूव करते हैं, उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो बनावट होता है उनके बॉडी का उसके हिसाब से वो मूव करते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स जो वो फोर लेग्स पे मूव करते हैं अपने चारों पैरों पे, जैसे कि लायन है, टाइगर है, चीता है, गोट्स हैं, काउज हैं, शेप, डॉग्स, कैट्स, रेट्स, क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड्स, राइनोस, बुफेलोस, जिराफ्स, लेपर्ड्स, डियर एक्सेट्रा। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये अपने चारों पैर पे मूव करते हैं, ठीक है। नाउ दे आर कॉल्ड क्वाड्रिपेड्स, इनको बोलते हैं क्वाड्रिपेड्स। क्वाड्रिपेड्स का मतलब होता है फोर फुटेड एनिमल, है ना, जो अपने चारों पैरों का यूज करते हैं मूव करने के लिए। यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ों का आपने देखा होगा एनिमल्स को मूव करते हुए। इवन आपके पास जो पेट होगा उनको भी देखना फोर लेग्स पे ही वो मूव करते हैं, चाहे डॉग है या फिर कैट है, है ना, ये सारी चीज़ें। घर पे आपने अगर घर पे लिजार्ड्स हो आ जाती हैं तो उनको भी आपने देखा होगा कि फोर लेग्स पे ही वो मूव करते हैं। नाउ सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड क्वाड्रुपेड्स, क्वाड्रुपेड्स यानी फोर फिटेड एनिमल। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर फ्यू एनिमल्स दैट मूव ऑन टू लेग्स, दे आर कॉल्ड बाइपेड्स। नाउ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ दो पैर पे ही मूव करते हैं, ठीक है, टू लेग्स पे, दे आर कॉल्ड एज अ बाइपेड्स। बाइपेड्स का मतलब होता है टू फुटेड, ये अपने दो पैर पे मूव करते। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दोज एनिमल्स, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। दे आर गिबन्स, ह्यूमंस एंड ऑस्ट्रिचेस। वो गिबन्स है, गिबन्स यानी लंगूर जो होता है वो अपने दो पैर का इस्तेमाल करता है मूव करने के लिए। ह्यूमंस, वी ऑल ह्यूमंस मूव ऑन टू लेग्स ओनली, वी डोंट हैव फोर लेग्स। एंड ऑस्ट्रिचेस, ऑस्ट्रिचेस एज यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना, ये भी अपने दो पैर पे ही मूव करता है। कंगारू भी अपने दो पैर पे ही मूव करता है। ये लेमर है वो भी अपने दो पैर पे ही हॉप करता है, मूव करता है। नाउ देर आर एनिमल्स दैट मूव बाई हॉपिंग ऑन बोथ लेग्स लाइक लेमर्स। लेमर्स जो होता है ये एक तरह का मंकी होता है, ये है ना, मंकी जैसा ही दिखता है। और ये कंगारू, ये भी हॉप करके मूव करता है, हॉप करना यानी कूदना, ये भी जो है वो भी हॉप करके मूव करता है लेमर भी। ऑस्ट्रिच जो है वो भी हॉप करते हैं, रन करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं। कंगारूज हॉप ऑन बोथ फीट व्हेन दे आर ऑन द ग्राउंड। कंगारूज जो होते हैं वो ग्राउंड पे जब रहते हैं तो दोनों पैर पे हॉप करते हैं, उछलते हैं। एंड यूज बोथ फीट ऑल्टरनेटिवली व्हेन ऑन द ट्रीज। और जब वो ट्रीज पे रहते हैं तो वो अपने दोनों पैरों को एक एक करके यूज करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, एनिमल्स दैट जंप आर रैबिट, हेयर, हॉपिंग माउस एंड कंगारूज। नाउ सम एनिमल्स दे जंप ऑल्सो, जैसे कि रैबिट है, हेयर है। हेयर और रैबिट में क्या डिफरेंस है, रैबिट यानी खरगोश और हेयर मतलब वो रैबिट के जैसा ही दिखने वाला एक एनिमल है जिसके ईयर्स बहुत बड़े होते, कान बहुत बड़े होते हैं, इसलिए रैबिट। और ये हेयर, हॉपिंग माउस एंड कंगारूज, तो दीज एनिमल्स जंप। आपने देखा होगा रैबिट को जंप करते हुए, है ना। इफ़ यू हैव अ पेट एट होम, रैबिट अगर पेट है तो आप वो भी यू मस्ट हैव सीन, आप देख सकते हो कि वो कैसे जंप करके आता है। देर आर एनिमल्स डेट कैन फ्लाई, बर्ड्स लाइक स्पैरो, सी गर्ल्स, पैरट्स हैव विंग्स विच दे यूज टू फ्लाई। आपने ऐसे भी एनिमल्स देखे होंगे जो फ्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्पैरोज हैं, सी गर्ल्स हैं, पैरट्स हैं, इनके विंग्स होते हैं ताकि वो फ्लाई कर सके। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, बीज, बीटल्स एंड लेडी बग्स ऑल्सो फ्लाई। अब कॉकरोच होता है या फिर बीज हैं, बीटल्स हैं, बीटल्स यानी जो जो एक इंसेक्ट्स होगा आपने देखा होगा उसकी बॉडी में रेड स्पॉट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बीटल्स। लेडी बग्स होते हैं, है ना, ये सब जो है इंसेक्ट्स, ये भी फ्लाई कर सकते हैं। सम एनिमल्स इवन डेवलप देयर बॉडी पार्ट्स एंड यूज देम फॉर फ्लाइंग। एंड सम ऑफ द एनिमल्स दे आर डेवलपिंग देयर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स को डेवलप करते हैं और फिर फ्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाइंग लेमर्स हैव स्किन अटैच टू देयर लिम्स दैट फ्लाई देम, हेल्प देम फ्लाई इन द एयर। फ्लाइंग लेमर्स यानी जो लंगूर जैसे होते हैं जो दिखते हैं, वो उनके स्किन से अटैच किया रहता है, उनके एक लिम्स से, उनके लिम्स से एक स्किन अटैच हुआ रहता है
जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्लाइंग फिशेस यूज द स्पेशल डिवाइस फिन्स दैट हेल्प देम एज विंग्स टू फ्लाई अबव वाटर। सम फिशेस आर देयर, है ना, बाय यूजिंग दैट फिन्स, उनके जो फिन्स होते हैं, डिवाइस फिन्स है ना, वो उनके फिश जो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो फ्लाई कर सके, वो अपने विंग्स को जो है यूज करते वाटर में, वाटर के ऊपर फ्लाई करने के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, वी ऑलरेडी नो दैट फिशेज, वेल्स, डॉल्फिन्स एटसेट्रा कैन स्विम इन वाटर, बट देर आर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, डक्स, क्रोकोडाइल्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड स्लॉथ्स दैट कैन स्विम इन वाटर एज वेल। हमको पता है कि फिशेस हैं, वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ये सब वाटर में स्विम कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो वाटर में स्विम कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स है, वो भी वाटर में स्विम कर सकते हैं, डक्स है, क्रोकोडाइल है, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, स्लॉथ्स हैं, स्लॉथ्स है ना, ये बियर होता है ना, एक तरह का बियर है, तो ये भी वाटर में स्विम कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन जू, जू में जब जाते हैं तो हमको ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। पेंगुइन्स वेडल ऑन देयर फीट, पेंगुइन्स वेडल करते हैं यानी छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो चलते हैं। एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड स्नेक्स स्लीदर और क्रीप ऑन द ग्राउंड, वाइल अदर इंसेक्ट्स लाइक एंट्स एंड स्पाइडर्स क्रॉल। अब जैसे अर्थवॉर्म्स और स्नेक्स होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं जो ग्राउंड पे स्लीटर करते हैं, स्लीटर करने यानी फिसल के ऐसे चलना, क्रीप करना, रेंगना, है ना, और बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि एंट्स है और जो स्पाइडर्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं। जैसे पेंगुइन्स के पैर देखो, है ना, वो छोटे पैडेड फीट है तो वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते हैं। एंड स्नेक जो है वो स्लीदर करता है, जमीन पे रेंगता है, आपने देखा होगा स्नेक। नाउ इट इज़ द मानसून सीजन, यू कैन सी इट वेरी इजीली। एंड स्पाइडर्स जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं, आपने देखा होगा दीवार में या फिर कहीं गार्डन में, उनको क्रॉल करके चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ मोशन अदर डिफरेंट एनिमल्स आर हैविंग, है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,